बॉल ए इज़ थ्रोन अप वर्टिकली विद स्पीड 10 meters per second. एट द सेम इंस्टेंट बॉल बी इज़ रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एट अ हाइट. एट टाइम टी द स्पीड ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज़. तो बी बॉल को कुछ हाइट से रिलीज करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो उसकी इनिशियल स्पीड 0 है. और दूसरी साइड में सेम टाइम पे नीचे की तरफ से ए बॉल को ऊपर की तरफ 10 meters per second से थ्रो करते हैं. तो हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि एट टाइम टी द स्पीड ऑफ ए रिलेटिव टू बी. तो ए की रिलेटिव स्पीड पूछ रहे हैं बी के रिस्पेक्ट में, है ना. तो जब हम ए की स्पीड पूछ रहे हैं बी के रिस्पेक्ट में, तो बी को हम क्या मानेंगे, रेस्ट पे मानेंगे. बी को रेस्ट पे मानेंगे और बी को रेस्ट पे मानते हुए ए की वेलोसिटी हमको निकालनी है, ठीक है. यानी कि बी देख रहा है ए उसके पास आ रहा है कितनी स्पीड से आएगा, तो टी टाइम पे उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी. तो हम लोग वेलोसिटी एट एनी टाइम निकालनी होती है ना हमको, तो हम लगाते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सारी जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो निकालते हैं और यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होगी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी. ए की इनिशियल वेलोसिटी है 10 और बी की 0, तो ये आ जाएगा 10. एक्सेलरेशन ए का बी के रिस्पेक्ट में होगा 0, क्योंकि ए का भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है माइनस जी, बी का भी नीचे की तरफ है माइनस जी. तो ए का बी के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा, ये पूरी टर्म हट जाएगी, यहाँ 10 आ जाएगा और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 10 meters per second. थैंक यू.